उसके साथ तूने ना गर्ल वो सेक्शन में जाता है? नहीं जाता है ना। नहीं मैं पानी पीने जाता हूँ। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, शोपैक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान अच्छे से एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। तो अगर आप मेरा सेकंड चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा मेरी एक नॉर्थ की सीरीज चल रही थी वाइल्ड वेंचर, और वो सारी रमजान में आई है। तो पिछले साल हमने अपने इस मेन चैनल के ऊपर रमजान में अम्मी ने बड़ी मजेदार किस्म की चीजें बनाई थी, तो अम्मी के खानों की एक सीरीज हमारी पिछले रमजान में आई थी जो इस रमजान वाइल्ड वेंचर की वजह से नहीं आ सकी। तो आप लोगों ने उसको बहुत मिस किया, मुझे अक्सर लोगों के बड़े जज्बाती किस्म के मैसेजेस भी आए कि क्या रमजान में वाइल्ड वेंचर शुरू कर दी। हालांकि उसको लोगों ने बहुत एंजॉय किया, लेकिन रमजान में वो क्यों शुरू की, अम्मी के खानों की सीरीज होनी चाहिए थी। तो अम्मी ने भी इस चीज को बड़ा मिस किया, मैंने भी मिस किया, वो बस वो सीरीज चल रही थी तो उसको हम नहीं कर सके। तो आज जो है आपका भाई हाजिर हुआ है, बड़े मजेदार किस्म की एक अम्मी चीज बनाती हैं जिसका नाम है लबे श्री। आपने बड़े मीम्स के अंदर भी सुना होगा लबे श्री सा लग रही है, गार्डन गार्डन हो रही है। तो आज मैं आपको लबे श्री सा लगवाऊंगा, इंतहाई मजेदार किस्म का एक लबे श्री अम्मी बनाती हैं। तो मैंने अम्मी से रिक्वेस्ट की है कि आज जरा वो लबे श्री जरा हो जाए, आवाम पूछ रही है। अम्मी कहती हैं ठीक है बेटा, तू भी याद करेगा। अब इस लबे श्री की कहानी शुरू हुई थी हसन की शादी से। हमारा एक बड़ा मास्टर शेफ है जिससे हमने सारा हसन की शादी का खाना बनवाया था, तो उस पर ये लबे श्री बनी थी। और हमारी फैमिली के अंदर कजन्स में रिलेटिव्स में सबको इतनी पसंद आई कि फिर हमने शादी के बाद उस बंदे को घर बुलाया, अम्मी ने उससे वो सारी जो है वो लबे श्री बनानी सीखी। और फिर उसमें आपको पता है हर मास्टर शेफ अपनी कोई बीच में फनकारी लाजमी करता है, तो अम्मी ने कुछ छोटी मोटी उसके अंदर चेंज की है, लेकिन वो कोई इंतहाई मज़ेदार किस्म की यार वो चीज़ बनती है। अभी नीचे चलते हैं, सारा सामान रेडी है, अम्मी ने वो लबे श्री बनानी है, मेरा इंतज़ार हो रहा है। सिर्फ इससे पहले मैंने चित्र पैदन थले चलिए, लबे श्री का सामान रेडी। अभी यहाँ पे थोड़ी सी तैयारी चल रही है, तो उतनी देर मैंने कहा मैं यहाँ पे खड़ा होकर जरा शोतल पी लेता हूँ। तो पहला स्टेप ये है कि आपने सारी चीजों को जो है वो साथ में इकट्ठा कर लेना। अभी एक तरफ हमारे बादाम जो है वो बॉयल हो रहे हैं, उसके बाद एक प्याली में पड़े हुए रसगुल्ले, ये चीजें अपने अंदाजे से लेनी है। हाँ, एक पाव रसगुल्ले, आधा पाव खोया, खोए को जो है वो लड्डू की शेप खुद से दे दिए गोल गोल, एक प्याली के अंदर निकाले हुए पिस्ते पड़े हुए इतने से, वो अगर आप ज्यादा आपको खाना पसंद है तो वो आप ज्यादा डाल लो, कम पसंद है तो कम डाल लो। और एक प्याली के अंदर हमारे पास इतनी सी जो है वो कलरफुल सेवैया है, जिनको तोड़ा हुआ ही आती है, ऐसी आती हैं छोटी वाली, मतलब कलरफुल वाली, वो मतलब आप चीजें बनाते रहते तो आपको समझ आ जाएगी। एक हमारे पास क्रीम का पैकेट है और एक लीटर दूध है, एक लीटर हमारे पास दूध है, कोई भी दूध कोई भी क्रीम आप यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। ये जी ऑलपर का एक लीटर दूध है, अम्मी कह रही है कि इससे टेस्ट जो है वो ज्यादा अच्छा बनता है, तो इसको हम इसमें डाल के कितनी देर पकाएंगे, 10 मिनट इस दूध को हम हल्की आग पे जो है वो पकाते रहेंगे। अब जब एक तरफ आपका दूध हल्का सा बॉयल हो रहा होगा और दूसरी तरफ बादाम तकरीबन रेडी होंगे, तो आपने लेना है नेशनल का वनीला कस्टर्ड। मैंने उल्टा इसलिए पकड़ा हुआ क्योंकि ये इस साइड से खोल दिया तो मैं सीधा करूंगा तो वो गिरेगा। और अम्मी ने कहा कि नेशनल वाला वनीला कस्टर्ड इसलिए लेना है क्योंकि इसका कलर जो है वो लाइट होता है, दूसरों का कलर थोड़ा डार्क होता है तो वो जो है वो रंग को खराब कर देते हैं। कस्टर्ड इतना ऐड करना है कि उससे जो है वो सारा काम गाढ़ा ना हो, जिस तरह कस्टर्ड बनाने के लिए हम इतना डालते हैं कि वो गाढ़ा हो जाए, तो इतना डालना है कि गाढ़ा ना हो, क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रखना है ताकि वो उससे ज़्यादा मज़ा करवाता है। अभी जितनी देर दूध वूध हो रहा है तो उतनी देर हम अपनी थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे चेक कर लो, सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि हमारा अब सफ़र ना 600K की तरफ है, ना 700 की, ना 800 की, अब हमारा सफ़र शुरू हुआ है मिलियन की तरफ। तो आपने सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है, अभी एक दफ़ा वीडियो पे शक रोक के नीचे चेक कर लो, 10 करके सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल हल्की सी आंच पे दूध को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, और अब इसके अंदर क्या करना है हमने, अब ये सेवैया इसके अंदर डाल देंगे, गैया रंग बिरंगियाँ सेवैया, ये दूध के अंदर सेवैया मिक्स हो रही हैं। अभी तक हमने सेवैयों के अलावा दूध में कोई चीज़ नहीं डाली, ना कस्टर्ड, ना रसगुल्ले, ना खोया, ना बादाम, कुछ भी नहीं डाला। अभी दूध में सेवैया मिक्स करके फिर से इसको 5 से 7 मिनट पकने देना है, हल्की आंच पे ही, है ना, नहीं अब थोड़ी सी तेज कर सकते हैं आंच। अभी फ्रिज में से हम निकालेंगे जी अपना कॉकटेल, और कॉकटेल अम्मी ने कहाँ रखा हुआ है, अम्मी गई है बाहर और मुझे खुद नहीं पता कि कॉकटेल अब किधर पड़ा हुआ है, पूछता हूँ। कॉकटेल सामने पड़ा हुआ है जो मुझे नज़र नहीं आ रहा, इधर भी पड़ा है, इधर भी पड़ा है, ये वाला उठा लेते हैं, बड़ा वाला जा रहा है। अब बारी है जी दूध में कस्टर्ड मिलाने की, और दूध हमारे पास है तकरीबन आधी प्याली, आधी से भी थोड़ी सी कम ही है प्याली, और मतलब दूध जितना मर्जी आप कर लो। और ये दूसरा स्पून गया, कितने डालने हैं, और ये तीसरा स्पून गया, वो मैंने बता दिया कि इतना कस्टर्ड डालना है कि वो थिक ना हो। तो ये अम्मी ने जो है वो डाले हैं 3 चमचे इतने से दूध के अंदर। अम्मी ये तो वो अंदर गिटके बनने लग गई इसकी, ऐसे लाते हैं ऐसे,
चीनी उस्ताद जी आप लोगों ने डालनी है अपने टेस्ट के मुताबिक, हम लोग डाल रहे हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। चीनी अगर आप तेज खाते हैं तो ज्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। कस्टर्ड डाल के इसको हल्का हल्का जो है वो हिलाते रहना है तकरीबन 8 से 10 मिनट हल्की सी आंच पे। उसके बाद चूल्हा इसका बंद कर दूं। अब चूल्हा इसका बंद कर देना, तकरीबन 10 दिन हो गए, 10 मिनट हो गए कस्टर्ड डाले हुए और इसको हल्का सा घुमाते हुए। अभी इसको चूल्हा बंद करके रूम टेम्परेचर पे लेके जाना है, तो हम 15-20 मिनट इसको पंखे में रखेंगे, पंखे में या यहाँ पे अपने किचन में भी अगर आप छोड़ दो तो भी मसला नहीं है। इसको रूम टेम्परेचर पे ले जाना है, उसके बाद इसका अगला स्टेप आएगा। अब इस सारे मामले को तकरीबन पंखे के नीचे पड़े हुए 15-20 मिनट हो गए, आराम से इतना टाइम हो चुका है। और अंदर से ये आपको नज़र आ रहा है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बिल्कुल जो है वो नरम, ये दूध की तरह का है। तो इस तरह हो गए, थिक से कम हो और थिन से थोड़ा ज़्यादा दरमियाना टाइप हो। अभी ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे एक एक करके। सबसे पहले क्रीम का पूरा पैकेट है मेरे पास, ये इसके अंदर डालते हैं, पूरा डालो ना। ये गई जी क्रीम का सारा पैकेट। क्रीम डाल के इसको जो है अच्छी तरह से मिक्स करना है कि पहले उसके अंदर क्रीम मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद अगली चीज़ डालेंगे। ठीक है, अगली चीज़ गई जी मेरा फेवरेट पार्ट लबे श्री का, नहीं मेरा फेवरेट वैसे ये और खोया है। पहले गए रसगुल्ले और फिर जाएंगे खोए के पेड़े। खोया और रसगुल्ले इसके अंदर जा चुके हैं, इनको अच्छी तरह से एक दफ़ा मिक्स कर लेना, ये इतना भी नहीं करना कि वो टूट जाए सारा। कॉकटेल एक प्याली काफ़ी होती है, ठीक है एक प्याली कॉकटेल डाली। और उसके बाद इस प्याली के अंदर मेरे पास बादाम है जो बॉयल हुए हुए हैं, इनका छिलका उतार दिया था और साथ में पिस्ते हैं, ये भी अंदर डाल के और अब इसको घुमाना है अच्छी तरह से। फाइनल स्टेप, सारा लबेशी एक और चीज़ डाल के इसको हम रख देंगे फ्रिज में कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए, तकरीबन 1-1.5 घंटा ये ठंडा होता रहेगा और उसके बाद ये फिर ठंडा यख खावांगे। लबे श्री को पड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी है, अभी तकरीबन तैयार हो चुकी है, क्योंकि हमारे एक हीरो दोस्त आए हैं, कज़न मेरा छोटू सा। क्या हाल चाल है भाई? ठीक हूँ मैं। ठीक हो? वीडियोस देखते हो? मैं वीडियोस देखता हूँ। कौन कौन सी देखी हुई है? मैंने कराची वाली भी देखी थी। अच्छा, मैंने आपके वो वाली भी देखी थी, आप पता नहीं किधर दूर जा रहे थे। दूर जा रहे थे। आज बनी है लबे श्री। क्या बनी है? लबे श्री। लबे श्री पसंद है? लें जी हमारी लबे श्री आ चुकी है और ठंडी यख भी हो चुकी है। राणा साहब देखने में कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है, अभी तो शुरुआत है, खाना पकाना। हम दोनों नीचे बैठ गए हैं, मैंने कहा जरा नीचे बैठ के खाते हैं, ज्यादा इजी हो जाएगा। इस लबे श्री के अंदर देख के बताओ क्या क्या चीजें हैं। सेवइयां है और रसमलाई है। रसमलाई तो नहीं है इसके अंदर। आज हमें हसनैन साहब खा के बताएंगे की चीज कैसी है, ठीक है? आपने रिव्यू देना है, चलो शुरू करो। यार रानी नीचे बैठना मेरे साथ यार। चलो जी मैं भी आपके साथ खाता हूँ। ऐथे रख, ऐथे रख। ओए हो। लबे श्री में जी हमारे पास बेहतरीन किस्म का खोया, खोया और जो रसगुल्ला है वो पूरा पूरा नहीं खाना, ठीक है? उन्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ के खाना, ज़्यादा मज़ा आएगा। वो ऐड करके बीच में इसमें ज़रा एक अच्छा सा स्पून बना के, ओए होए, इंतहाई मजेदार। अच्छा लग भी रहा है? अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा मजेदार। यार इतना आला इसका टेस्ट है, बनाने में भी इंतहाई इजी और क्विक है। तो वो जब खाते हैं ना तो साथ में बीच में मुंह में जब खोया आता है, बीच में रसगुल्ला आता है, रसगुल्ला जरा मीठे को ऊपर लेके जा रहा होता है, खोया उसको कंट्रोल करके थोड़ा सा नीचे लेके आता है, और साथ में सेवइयां और बीच में कॉकटेल जो आ रहा होता है ना,
स्कूल कब खुल रहे हैं आपके बच्चों के लिए सबसे खतरनाक सवाल हैं? इस मंडे नहीं अगले मंडे। कल खुल जाने स्कूल में पता लगा। हाँ लाओ और डाल के दूंगा आपको। खाओ खाओ पकड़ो, सेहत बनानी है ठीक है। चलो अच्छा, खोए और रसगुल्ले के साथ जो सेवैयाँ टेस्ट ऐड करती हैं, मतलब सेवैयाँ बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, साथ में पिस्ता और बादाम जो मुंह में आता है। ओए गई रसगुल्ला पूरा छा गए छा गए। लाओ इधर आपको और डाल के दूँ कि पेट भर गए? डाल दो, लाओ लाओ लाओ, बिल्कुल थोड़ा सा क्यों भाई, पूरा प्याला तेर लिए, टेंशन नहीं लेनी। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? डीपीएस। मैं भी पता डीपीएस में पढ़ा हूँ, नर्सरी से लेके टेंथ तक। अच्छा हाँ, और आप कौन से उसके साथ? तूने गर्ल सेक्शन में जाता है? नहीं जाता है ना। नहीं मैं पानी पीने जाता। पानी पीने जाता गर्ल सेक्शन में? बड़ा तेज है तू। बाने बाने से जाता ना वहाँ पे? नहीं फिर पानी पीने जाता। पानी तो बॉयज साइड पे भी होता। पानी पीने भी नहीं जाता। किश्ता स्पकल स्पकल मधुरी मधुरी करीना जंपल दा करीना जंपल दा ये लबशीरी जो था अम्मी पादो कुलोगला। अम्मी पादो कुलोगला नहीं, अन्नी पादो। अन्नी 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 पादो पोगला तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआओं में याद रखना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्ट है। क्या कर रहे हैं? सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करके जाना है, ऐसे नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके जाना है। दोबारा सब्सक्राइब करके जाना है। वो लोग कह रहे हैं एक बार और कहोगे तो करेंगे। सब्सक्राइब करके जाना है।